और आप लोग इतना खामोश क्यों रहे? अरे मुझे तुम कैसी बातें करते हो? कौन खामोश रहा? मैडम की माँ को हमने कह दिया कि इस घर के अंदर मत आए। अम्मी आपके घर के झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी अम्मा बनने की है? अगर बताना होता तो हम खुद बता देंगे। बहुत बन लिए बेवकूफ हम तहरीन, अब किसी और को बनाएं। किसको फोन कर रही है? आप देखती जाइए, हम अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। अब क्या हुआ? ऐनी पापी और तरीन पापी मुझसे बात नहीं कर रही। हाँ भाई आओ गुगली। हाँ हाँ भाई कैसे? वो डैडी शाजिया ने बताया था कि घर में कोई मसला चल रहा है। भाई बात ये है कि 100 अकलमंद भी मिलके एक बेवकूफ का मुकाबला नहीं कर सकते। थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर दें, मुझे समझ नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं। भाई जब मैडम की बात खत्म हो चुकी थी तो फिर तुम्हारी अम्मी ने गलती कर ली। तुम्हारी अम्मी ने खदीजा को बता दिया और खदीजा वो ठहरी इशरत की बेटी, उसने एनी को बता दिया। मुझे इस बात का पहले से ही शक था। बस भाई एनी ने तहरीन को बताया और दोनों अपने शौहरों के साथ इस कमरे में आ गए। अच्छा फिर? फिर क्या होना था, दोनों आग बगोला थी। और जहां तक तुम्हारे बड़े भाई का ताल्लुक है, वो तो है ही, वो क्या कहते हैं उसको, काट के उल्लू और मुझी अलग नाराज हैं। डैडी मुझे ये बताएं कि अब करना क्या होगा? होगा क्या? अब क्योंकि खतीजा ने एनी से बात की है। अच्छा अब इशरत एनी से पूछेंगी कि भाई उसने क्या कहा है, ठीक है ना? फिर देखते हैं कि क्या बात करें। डैडी आप प्लीज जल्दी करें, उनसे बात करें। शाजी से पहले सारे घर वाले नाराज और इस वजह से शाजी सख्त परेशान है। भाई झेलना तो पड़ेगा, और मैडम की अम्मी भी गलती कर गई। बस तुम अब दुआ करो कि बात आगे ना पड़े। जल्दी कर दें डैडी, कुछ आप ही। अच्छा ये जो तुम सोग वाला एक्शन बना के बैठे हो ना, ये सोग जो है ना तुम अपने कमरे में जाके करो। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जाओ। अरे आप यहाँ क्यों बैठे हैं, कमरे में क्यों नहीं आए? नहीं बस वैसे दिल कर रहा था बाहर बैठने का। अच्छा क्या हुआ, आप कह रहे थे फौरन ही मसला हल हो जाएगा। क्या है कि किस किस्म की औरत है आप? सुबह का क्या हुआ, अभी घर वापस आया और आते ही सवाल शुरू। मैं क्या बता, आप ही ने वक्त दिया था। हाँ दिया था, लेकिन मेरे पास इस मसले का हल नहीं है, इसका हल सिर्फ अम्मी डैडी के पास है। ये भी अच्छी रही, इल्जाम कोई लगाए और हल कोई और निकाले। हैनी जी क्या तो आप चुप कर जाएं? क्या मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हाँ हाँ वो जो कह रही है सब झूठ है, जबकि सच कुछ और है। अगर इस तरह के अल्फाज मेरी अम्मी के लिए तुमने दोबारा दोहराया तो मैं तुम्हारी जुबान, दूसरे अपनी जुबान से मुझ पर जादू टोने का इल्जाम लगाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है वो आपकी अम्मी है, उनकी इज्जत करें, लेकिन मैं भी आपकी बीवी हूँ। अरे तो मैं क्या करूँ, मैडम की माँ पे जाके केस कर दूँ, थाने में ले जाके उसका पर्चा कटवा दूँ? मेरी अम्मी का क्या कसूर है? जाओ जाके मैडम की माँ से फोन पे बात करो, मेरी अम्मी ने इल्जाम लगाया है क्या? नहीं ना, जाओ जाके मैडम से बात करो, गुगली से बात करो,
अम्मी 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 अम्मी, मेरी माँ ने मैडम की माँ को कहा था कि तुम लोगों पे इल्जाम लगाए, नहीं ना? हमारा बस चले तो रास्ते में जो एक्सीडेंट होते हैं वो भी मेरी अम्मी पे इल्जाम लगा दो। तो और किससे शिकायत करे, किस घर की करता धरता तो वही है ना। ऐसे करते हैं शिकायत, ऐसे करते हैं शिकायत कि शिकायत करने वाले को कटहरे में खड़े कर दो और हम मुजरे में। आइंदा से मेरी अम्मी के लिए अगर तुमने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तहरीन। ये आजकल आप भूलने बहुत लगी। जी नहीं, मुझे आप वाली बीमारी नहीं हुई अभी। हाँ तो आपने खतीजा के यहाँ फोन करने को कहा था, फिर क्या हुआ? कर दिया। कर ली और बताया नहीं? जिसको बताना था बता दिया, समझा भी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि खतीजा ने कहा था कि जादू टोने का तो कहा है लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। अरे जब मसला ही नहीं था तो इतना शोर क्यों मचाया गया? आप नहीं जानते एनी को? तौबा है अल्लाह भाई, मैं तो कहती हूँ कौन सी घड़ी थी जब इसका रिश्ता लेके मैं गई थी। तौबा तौबा तौबा। देखो इशरत, मेरे सामने कोई ऐसी वैसी बात मत किया करो। है खतीजा ने एनी को कहा था कि मैं साफ साफ नाम बता दूंगी, मुझे पता था एनी मुझसे जरूर पूछेगी। तो उसने नाम पूछा? पूछा। तुमने बता दिया? अरे मैंने क्या कहना था, मैंने कह दिया कि मैडम की अम्मी ने सीधा सीधा पड़ोस की औरत का नाम लिया था। एनी को पता था कि पक्का पक्का उसका नाम है, लेकिन मैंने सारी की सारी बात मिसेज रहमानी पर डाल दी। बस ये तुमने क्या कर दिया? क्यों भाई, उन्हें क्या पता चलेगा? अरे भाई ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, किसी पे बतान लगा दिया तुमने। अरे कोई इल्जाम इल्जाम नहीं लगाया, मैंने अपने घर में सुकून करना था। अगर मिसेज रहमानी को पता चल गया ना तो तुम्हारे सर पर एक बाल भी नहीं बचेगा। तो बात तो अगर की है ना, अगर पता चले, पता लगने दूंगी तब ना, और हाथ उठा के तो देखे मोटी का हाथ ना तोड़ दूं मैं। मैं तुम्हारे साथ इसमें बिल्कुल शरीक नहीं हूँ, मुझे दूर रखो भाई इससे। इसमें आपको कोई शरीक कर भी नहीं रहा, मुझे अपने घर का सुकून चाहिए और बस खुदरतुल्ला। तो क्या एनी और तहरीन तुम्हारी बात मान गई? नहीं भाई, शुरू में तो बड़ी नाक भों चढ़ाई, बड़े मुंह बनाए हैं नाके चढ़ाई, लेकिन उसके बाद जब मैंने तफसील से बात बताई तो समझ आ गई। अच्छा तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन लेकिन एनी आज तो तुमने कमाल कर दिया भाई, कमाल के समोसे बनाए हैं। जेम अक्का खाओ ना समोसे, तुम और समोसे ना खाओ। नहीं वो क्या है कि दिल नहीं कर रहा मेरा। हैं दिल नहीं कर रहा? तुम्हारा कैसे दिल नहीं कर रहा भाई? अच्छा अरे मजी तुम तो लो ना बेटे, तुम्हारे लिए तो बनाए हैं, देखो कितनी शानदार चाय बना के रखी है। नहीं नहीं अम्मी मैं अभी लेता हूँ। मुझे चाय। जेम गुगली लो भाई। अरे तुमने खेलने के लिए रखा है प्लेट में समोसा, ये सजाने के लिए नहीं रखे हुए, खाने के लिए रखे हुए सब। अजीब सी लग रही है खामोशी हमारे घर में इस तरह चाय। ऊपर के लोगों पे क्यों नहीं जादू टोना करा देती? बेवकूफ है ना बेचारी, नई नई जादूगरनियां हैं, सीख जाएंगी, पुरानी हो जाएं तो फिर देखिए कोई रह के दिखाए जरा यहाँ। भाभी संभाल चाबी, भाभी संभाल चाबी। हाँ जी। अरे भाई तुम तो कह रही थी कि बात अकल में आ गई है, लेकिन मुझे तो सूरतयाल कुछ खराब ही नजर आ रही। मैं भी हैरानी हूँ, आज पौन घंटा तो हुआ मुझे बात किए थे।
हाँ भाई, मामले को आप जितना आसान समझ रही हैं ना, उतना आसान है नहीं। मुझी और अक्का को देखा था? हाँ, तो गुगली कौन सा खिलखिला रहा है? आए थे मेरे पास, कहने लगे कि मैडम से सभी नाराज हैं, अक्का और मुझी भी। हाँ, तो ये बात तो मेरे बात करने से पहले की होगी ना। यहाँ आप धोखा खा रही हैं या धोखा खा चुकी हैं? अरे आजकल की लड़कियाँ बहुत तेज हैं। कुदरतुल्ला, दुनिया देखी है मैंने, धूप में बाल सफेद नहीं किए। हाँ भाई, बड़ी उम्र के लोग यही कहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है जिस दुनिया में वो रह रहे हैं ना, वो दुनिया नहीं है। और नए लोग यही बताते हैं। तजर्बा बहुत बड़ी चीज है, बहुत महंगी भी। हाँ भाई, आजकल होशियारी और चलाकी की बड़ी कीमत है। चलिए फिर देखते हैं, तजर्बा जीतता है या होशियारी, देख लेते हैं। चलो। सर लाल मिर्च दीजिएगा। जी एनी भाभी, लेकिन वो क्यों? अरे सालन की नजर उतार लेना तैयार होने से पहले, कहीं लोग ये ना कहें कि इस पे भी कुछ कराया हुआ। लेकिन अगर इतना ही शक है तो लोग अपने लिए अपना सालन अलैदा क्यों नहीं बना लेते? अरे ये कैसे हो सकता है, घर में नौकरानियां जो हैं। लेकिन ये नौकरानियां जादूगरनियां भी तो है ना, क्या करें, साथ भी तो रहना है ना। तो किसी ने पैरों में जंजीरें बांध रखी है क्या? बांध रखी है ना जंजीरें, हालात ने हिमायत भी तो बहुत ऊपर वाले लोग कर रहे हैं। तो ये जादूगरनियां ऊपर के लोगों पे क्यों नहीं जादू टोना करा देती? बेवकूफ है ना बेचारी, नई नई जादूगरनियां हैं, सीख जाएंगी, पुरानी हो जाए तो फिर देखिए कोई रह के दिखाए जरा यहाँ। तो क्या धक्के? क्या हुआ भाई, रो क्यों रही हो? मैं कह रहा हूं क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? मार लूंगी मैं अपने आप को एक दिन। पूरी मुझे बात बताओ, शर्म मत बातें करो मेरे साथ। तेरी भाभी और अन्नी भाभी ने कहा है कि वो मुझे धक्के दे के घर से निकाल देगी। उनका दिमाग खराब है, चलो मेरे साथ। अम्मी जैसे गुगली कह रहे हैं वैसे तो हमने कुछ भी नहीं कहा, हम तो आपस में बात कर रहे थे। तो फिर किस तरह कहा था? अरे अरे खामोश रहो। तो फिर किस तरह कहा? किचन में हम और तहरीम बात कर रहे थे और हमने कहा हम बेवकूफ हैं, नई जादूगरनियां हैं, पुराने हो जाएंगे, तो देखते हैं कौन इस घर में रहता है। उस पर तहरीम ने अभी क्या धक्के ही कहा था कि मैडम किचन से चली गई।
क्या जरूरत थी आपको तहरीम से ये बात करने की हैं? क्यों? अगर हम मैडम पे जादू टोना करा सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कहने से कोई हो तो नहीं जाता ना ऐनी जी। हाँ तो यही तो हम भी कह रहे थे कि जिन्होंने इल्जाम लगाया है उन्हीं से पूछ लिया जाए, मगर हमसे तो सब कुछ छुपाया जा रहा है, तो हमने भी कहा ठीक है कराया है तो कराया है। और आपको अंदाजा भी है कि क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? एक बहू को बचाने के लिए दो बहुओं की कुर्बानी दे दी जाएगी तो अच्छी बात है। ये जादू टोना करने वाली बहुएं तो घरों को तबाह करती हैं। आप ना हैनी जी, वो क्या है कि बिल्कुल पागल हो चुकी हैं। डैडी का चेहरा देखा था आपने? मुझे मालूम है, मैं जानता हूं उन्हें। तो क्या कह दिया हमने मैडम को? नाम ले लिया उनका क्या? उनकी अम्मी तो साफ साफ हमारा और तहरीम का नाम लेके गई थी। मैं रहने दीजिए, जब मैडम को साफ साफ नाम लेने पर कुछ नहीं कहा गया तो हमने नाम कहा लिया है? बात कहां की हमसे? इस किस्से को खत्म नहीं कर सकते क्या? खत्म? अभी तो शुरू हुआ है किस्सा, खत्म कैसे हो सकता है? हैनी जी देखिए, मैंने आपसे बताया कि उस औरत को घर में आने से मना कर दिया गया है, हैं? मैडम के तो बाप ने डैडी से माफी भी मांग ली, अब और क्या करें, पैर पड़ लें आपके। यानी हमारा और तहरीम का नाम लिया गया? मुझे नहीं पता इसके बारे में, डैडी ने मुझे और मज्जी को सिर्फ इतना ही बताया था भाई। यही तो मसला है इस घर में, पूरी बात कहां किसी से की जाती है, खुद ही बैठे कहानी जोड़ते रहिए। हैनी जी देखें, मेरी बात सुने, आप इस मामले को जितना भी उलझाएंगी ना उतना ही वो क्या है कि उसमें खुद फंसती जाएंगी आप। इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा। फिर कोई बात, एक ही अंडे का ऑमलेट बनाई जा रही है आपको। छुपाया क्यों, बताया क्यों नहीं? बाहर वाले आकर इल्जाम लगाते रहे और हमारे घर वाले उन्हीं को बचाने में मसरूफ है। अरे किसको बचाया, कह तो रहा हूं कि घर में आने से मना कर दिया उन्हें, समझ ही नहीं रही। तौबा है। तुम भी ना, बात को पूरी तुम समझती नहीं हो और खामखा रोना शुरू हो जाती हो। लेकिन उन्होंने कहा तो था ना जी, सुना नहीं आपने कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था उसका मतलब भी वही बनता था, लेकिन वो लोग आपस में बात कर रही थी, तुम्हारा नाम उन्होंने बीच में कहां से लिया? समझ में तो आ रहा था ना जी। ओए वो बड़ी होशियार हैं, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकती हो, वो तुम्हें खड़े खड़े घुमा दें। तो अब मैं क्या करूं जी? जब तक इस घर में ये टेंशन है तुमने इनसे दूर रहना, बस। ऐसा नहीं हो सकता, किचन में तो जाना पड़ेगा ना, वरना मम्मी जान नाराज हो जाएंगी। तुमने इनकी सिर्फ सुननी है और तुमने बर्दाश्त करना है, दैट्स इट। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? और ये जो ऐनी भाभी के तुम गुनगाती रहती हो ना, किसी दिन मक्खन में से बाल की तरह तुम्हें निकाल के बाहर फेंकेंगी, देखती रह जाओगी तुम। पहले मैं भी यही समझती थी, लेकिन ऐनी भाभी बात उसूल की करती है। मेरी बात कान खोल के सुनो, अगर दोबारा इस घर में चिक चिक पिक पिक हो ही रह रही हूं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है आज डैडी का मूड कुछ और ही कह रहा था। नहीं तो इस घर में कोई सही बात करना गुनाह है। और फिर तुम बहस करने लगी उस बात पे, और भाई जिसने कहा है उससे जाके लड़ो ना, दूसरों को कहने की क्या जरूरत है? लड़ूंगी तो खैर मैं बात नहीं, पहले यहाँ वाले ये तो मान जाएं कि नाम हमारे थे। क्या फर्क पड़ेगा, गवाह हूं तो मुकदमा होता है। बड़ी वकील आई हुई है तू। और इस बात का ख्याल रखना, अपनी ज़बान और लहजे का ख्याल रखा जाए।